नमस्कार दोस्तों, आज मैं डॉक्टर ओमनाथ वाडेकर आपके लिए एक ऐसा वीडियो डाल रहा हूँ, ऐसी वनस्पति बता रहा हूँ जो करीबन सभी लोगों के बारे में इसको पता है, लेकिन ये जो आप मेरा वसुंधरा चुंबक प्राकृतिक चिकित्सालय एंड वन औषधि रिसर्च सेंटर नाम का जो बोर्ड है, इस बोर्ड के नीचे जो आपको पूरा ये देखिए बेल दिख रहा है, ये बेल को बहुत लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसकी इस तरह से फूल आते हैं, ये मेरे पूरे मकान के ऊपर मैंने फैला दिया, देखिए। तो इसका एक ऐसा गुण मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसकी सब्जी जो तुरई के नाम से आप जानते हो, ये तो बहुत लोग खाते हैं मित्रों, लेकिन मैंने एक नया इसके ऊपर शोध लिया है कि इसके फल की सब्जी जो लोग बना के खाते हैं उससे भी कई गुना फायदेमंद और लज्जतदार इसके पत्तों की सब्जी बनती है। तो इसके ऐसे कोमल कोमल पत्ते, इसके कोमल पत्ते लेकर और इसको पहले बारीक पहले धो लेना है, धो के फिर बाद में उसका पानी पूरा सुखा लेना है, और सुखा लेने के बाद फिर इसकी इसको थोड़ा सा उबाल लेना है, और उबाल लेने के बाद में इसको निचोड़ कर उस कढ़ाई के अंदर अपना लहसुन, कांदा, हरी मिर्ची, ये जो महिलाएं अपने घर में सब्जी बनाते हैं उसी तरह से सब्जी बनाना है। बहुत सारी टेस्ट है इसके अंदर। और सबसे पहली बात, मेरे एक मित्र है जिनका नाम है देवेंद्र पाटिल, वो भी इसके बहुत अच्छे जानकार है, तो उन्होंने इसके बारे में मुझे ऐसी एक बात बताई, कहीं पढ़ा या कहीं वीडियो उन्होंने देखा, तो ये कैंसर के लिए बहुत अच्छा काम करता है, ये हमने हाल ही में अभी सुना। और खाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई जहरीला नहीं, बहुत सारे फल इसके खाते हैं, इसकी पत्तों की सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो उन्होंने बताया कि आधा आधा सिंगल इसका रस अगर पेट में लिया जाए तो ये कैंसर के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। वैसे भी पुराने लोग इसके फल को भरता बनाकर कावड़ के अंदर देते, मतलब लीवर पर अच्छा काम करता है। तो मित्रों, इसकी सब्जी बना के खाइए, बहुत अच्छा ज़बरदस्त गुण है। और हमारा जो काम है, विशेषकर ये काम है, हम लेप लगा के हड्डी को जोड़ देते हैं 12 से 24 घंटे के अंदर। तो ये मेरा रिसर्च सेंटर है और मैं वैद्य वाडेकर आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ, तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए। और कैसा आपको लगता है ये हमें बताइए। मेरे बोर्ड के ऊपर फ़ोन नंबर है, हर किस्म के हम इसके ऊपर अच्छे अच्छे नए नए वीडियो डालते हैं। तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमको भी तो अच्छा लगता है, हम नए नए वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होते हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को और पत्तों की सब्जी खाकर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो धन्यवाद मित्रों, ये ज़रूर देख के आप इसको बनाकर खा के देखिए।